जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं स्क्रूटनी फॉर्म को भरने को लेकर। तो किस प्रकार से फॉर्म फिल करना है, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, कौन सी चीज़ आप बदलाव कर सकते हो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, इन सारी चीज़ें हैं वो आज हम देखने वाले हैं। पूरा फॉर्म आपको फिल किया हुआ मैं दिखा दूंगा और बता दूंगा कौन कौन सी चीज़ें आपको देखना है, ठीक है। तो चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी कर दें, बेल आइकन जरूर दबा लें। आपने चैनल है बहुत लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो आपको ऑथेंटिक चीज़ें हैं वो इस चैनल पर आपको मिलती रही, आगे भी आपको मिलती रहेगी। और हमसे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े, आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। तो देखो, अब बात करते हैं स्क्रूटनी फॉर्म को भरने को लेकर। तो मैं आराम से एक एक बिंदु को बता दूंगा, आप स्क्रूटनी फॉर्म उसके बाद में फिल कर लेना। मैंने यही कहा था, मैं आपको सारी चीजें हैं वो बता दूंगा, ठीक है। और एक बात और कहना चाहूंगा सभी से कि आपकी कोई भी अगर आपका डॉक्यूमेंट आपका गलत लग जाता है या कुछ भी चीजें हो जाती है, तो इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि आपको भारी कर देंगे। ये हमेशा आपको ध्यान में रखनी है। वहां पे आपके शपथ पत्र वगैरह लिखवा के सब चीजें अगर आपकी सही है तो वो मान लेंगे, बिल्कुल भार नहीं करेंगे। दस्तावेज सत्यापन इसलिए नहीं है कि आपको डॉक्यूमेंट सही होते हुए भार कर दें, दस्तावेज सत्यापन इसलिए होता है कि आपके डॉक्यूमेंट जो है उनकी ऑथेंटिसिटी चेक की जा सके, ना कि ये चेक किया जाता है उसमें इसने गलत लगा दिया तो हमें भारी करते हैं। अगर आपके सही है, वैलिड है, आपका जो रीट दस्तावेज सत्यापन के लिए जो चीज़ें उन्होंने बताई होती है कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए वो सही है, तो बिल्कुल शामिल आपको करते हैं। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग से निकाल दें, आराम से शपथ पत्र वगैरह लगा के सब चीज़ें हो जाती है। अब देखो, बारी आती है अपने स्क्रूटनी फॉर्म को लेकर, उसके बाद में अटेस्टेशन फॉर्म वाला भी मैं आपको बता दूंगा। तो देखो, ये सारी चीज़ें तो आपकी अपने आप आएंगी ऑटोमेटिक, आपने कौन से पद के लिए आवेदन किया है, एसएसओ आईडी वगैरह, ये सारी चीज़ें आती है। ये किसी बच्चे का फॉर्म है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें कुछ चीज़ें हैं वो हाइड की गई है, मैं बता दूंगा आपको जो यहाँ पे लिखा है। अब देखो, शुरुआत में आएंगे आपके रोल नंबर जो कि पहले से लिखे हुए आएंगे, इसमें आपको कोई चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद में आपका आएगा आवेदन पत्र क्रमांक, ये भी आपका पहले से लिखा हुआ आएगा। मेरिट क्रमांक आपको क्या करना है, खाली छोड़ना है, क्योंकि आपकी मेरिट क्रमांक अभी तक नहीं आई है, तो ये आपको क्या छोड़ना है, खाली छोड़ना है। उसके बाद में विज्ञापन संख्या अपने आप आएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं। पद कोड और क्रम संख्या को लेकर काफी सारे मेरे पास मैसेज आए, तो पद कोड और क्रम संख्या जो मैन विज्ञप्ति है वो मैंने अच्छे से देखी, उसमें आपका कोई भी जिक्र है वो नहीं कर रखा है, तो पद कोड संख्या आप खाली छोड़ सकते हो, क्योंकि इसमें कोई जिक्र इन्होंने किया ही नहीं है, तो आप खाली छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पद कोड संख्या खाली छोड़ सकते हो। आवेदक का पूरा नाम अंग्रेजी में पहले से लिखा हुआ आएगा, लेकिन आपको हिंदी में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा जो भी आपका नाम है हिंदी में, यहाँ पे जो है हिंदी वाला नाम टाइप आपको करना पड़ेगा, इंग्लिश में लिखा हुआ है। पिता का नाम हिंदी में आपको टाइप करना पड़ेगा और इंग्लिश में आपका लिखा हुआ आएगा पहले से यहाँ पर। हिंदी में माता का नाम आपको टाइप करना पड़ेगा, इंग्लिश में वाला आपको अपने आप टाइप किया हुआ मिलेगा। आवेदक की जो जन्मतिथि है वो आपको बिल्कुल आपको मिलेगी जरूर पहले से ही, जो DOB आपकी है। उसके बाद में विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को, आयु 1 जनवरी 2024 को आपकी क्या आयु है, यह आपको फिल करना है। नागरिकता सभी को भारतीय आएगी। आरक्षण वर्ग जो आपने दिया था मेन फॉर्म में फिल किया था वही आएगा, आप यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते हो। काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि सर हमने वहाँ पे कोई बहुतों की गलती हो जाती है, देखो अगर गलती हो गई है तो आप चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पे आप जाओगे शपथ पत्र वगैरह लगाओगे तो आपको वो शामिल कर लेंगे या फिर जनरल कैटेगरी में आपको मान लेंगे, तो इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद में EWS जिस भी बच्चे ने भरा उसका OBC नॉन क्रीमिलियर था तो जो EWS लागू नहीं आएगा। जो निषिक्त श्रेणी से आते हैं उनके लिए यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। उपनिषिक्त श्रेणी से हैं उनके आ जाएगा, ये पहले से मिलेगा। धर्म है वो सबके जो भी आपका धर्म है, मुस्लिम है तो मुस्लिम आ जाएगा, हिंदू है तो हिंदू आ जाएगा, जो भी है वो आपका आ जाएगा। विवाहिक स्थिति में आप बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। मेरे पास सबसे ज़्यादा कर कमेंट आए ना तो यही आए हैं, और सबसे ज़्यादा उनके आए हैं जो महिलाएँ हैं कि हम पहले से शादीशुदा थे, फॉर्म में हमने AVY दिखा दिया, तो अब हम क्या करें, वहाँ पे मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह मांग रखे हैं। तो देखो, इसमें आप चेंज तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, लेकिन आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है उसको शपथ पत्र वगैरह लिखवा के आप वहाँ पे ले जाना, साथ में वो मांगे तो उनको दे देना और उनसे बोलना कि गलती हो जाती है, वो भी वहाँ पे चेक करने वाले इंसान है, वो आपको कुछ सॉल्यूशन बता देंगे, ज़रूर आपको बाहर नहीं करेंगे। इस बात को लेकर मैं आपको कन्फर्म कर देता हूँ कि आपको इसके कारण बाहर नहीं करेंगे, क्योंकि विवाह होना ना होना इसको लेकर आपको इसमें सिलेक्शन होने में कोई फ़ायदा नहीं होता, तो इसलिए वहाँ पे सारी चीज़ें ले जाना आप और शपथ पत्र वगैरह लिखा के, लेकिन यहाँ पे आप चेंज नहीं कर सकते, जो आपने फॉर्म में फिल किया था वही आएगा यहाँ पे, ठीक है। जिसने भी विवाहित किया वो अपने पति या पत्नी का नाम लिख दें, उसके बाद विवाह की तिथि लिख सकते हो, विवाह का स्थान लिख सकते हो, पंजीयन संख्या मैरिज सर्टिफिकेट में और पंजीयन स्थान कौन सा है और पंजीयन अधिकारी कौन था आपका, ये आप लिख सकते हो जो विवाहित है। और अनुसूचित क्षेत्र के निवासी हैं वो यहाँ पे यस कर देंगे हाँ, और यहाँ पे और जो नहीं है वो यहाँ आ जाएगा लागू नहीं,
ठीक है, जो अनुसूचित क्षेत्र के निवासी है परंतु गैर अनुसूचित क्षेत्र में अगर कोई सिलेक्शन चाहता है तो आप जरूर यहाँ पे यस कर सकते हो। और लगभग कोई नहीं चाहता, जो भी नॉन टीएसपी है वो नॉन टीएसपी से सिलेक्शन है और टीएसपी के लिए वो टीएसपी से है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। कुल संतान जिनके भी जो जितने संतान है वो पूरी फिलअप कर सकते हो आप। उसके बाद में बारी आती है पत्राचार पता। तो देखो पते के लिए मेरे से काफ़ी कमेंट पूछे जा रहे थे कि सर स्थाई पते में क्या लिखे, पत्राचार पते में कौन सा लिखे। हम फॉर्म फिल किया था उस टाइम दूसरा पता था, हमारे पिता के नाम से डॉक्यूमेंट थे लेकिन अब हमने डॉक्यूमेंट है वो पति के नाम से सारे चेंज करवा लिए, तो हम कौन सा पता भरें। तो देखो मेरा जहाँ तक मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे आपको पत्राचार पते में और स्थाई पते में जो आपने फॉर्म में फिल किया है ना, जो भी स्थाई पते की जगह आपने फॉर्म में स्थाई पता लिखा वो लिख देना, और पत्राचार में जो पत्राचार वाला पता आपने फॉर्म में फिल किया था वही लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि अगर आपके पास कोई भी पत्राचार होता भी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि या तो आपके पिता के घर आएगा या फिर आपके घर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप फॉर्म में जो किया था ना वही कर देना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। हालांकि इसमें होता तो ये है कि जो पत्राचार जहाँ पत्र व्यवहार कर सकते हो वो एड्रेस लिखो जो वर्तमान में जहाँ पे हो, और स्थाई पते में जो आपका मूल जो डॉक्यूमेंट्स में वो, इसमें नियम तो ये होता है लेकिन जो फॉर्म में फिल किया ना ये दोनों ही वही कर देना, चाहे विवाहित हो चाहे अविवाहित। उसके बाद में देखो इसमें लिखा है सारी डिटेल भरनी है। देखो इसमें मैंने बताया इसलिए नहीं क्योंकि इसमें पूरा शहर या गाँव का नाम, फ़ोन नंबर, पिन कोड, जिला, सारी चीज़ें हैं वो इसमें लिखनी है। उसके बाद में देखो विशेष स्थाई पते में भी ये सारी चीज़ें मांगी गई आपसे। विशेष श्रेणी में अगर आप भूतपूर्व सैनिक हो तो यस करें, अन्यथा नो कर दें। आप एनसीसी कैंडिडेट हो तो यस करो, नहीं हो तो नहीं कर देना। उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए यस या नो, क्या आप मौजूदा राज्य सरकार के कर्मचारी, स्थायी कर्मचारी अगर आप हो तो उसके लिए आपको यस या नो करना पड़ेगा। और पंचायती राज सार्वजनिक निगम के कर्मचारी अगर हो तो इनमें से आप जो भी हो आप यस या नो कर सकते हो, क्योंकि ये कैटेगरी ऐसी है जिसमें जो है वो समझ सकता है इसको। विभागीय कर्मचारी या क्या आप राजपत्रित अधिकारी वगैरह जो भी आप अगर हो तो आप यस कर देना, नहीं तो नो, सभी लगभग कोई नहीं होता तो नहीं कर देना इसमें। उसके बाद में मूल निवास, मूल निवास कहाँ का है आपका, राजस्थान का, जो राजस्थान का भर दें या और कहीं का है तो आप जैसे हरियाणा का है, यूपी का है, एमपी का है तो वो यहाँ पे दर्शा दें। जिला लिख दें अपना जो भी आपका जिला है, यहाँ पे आपकी तहसील लिख दें, और यहाँ पे अन्य टिप्पणी आप अगर कुछ और भी ऐड इसमें करना चाहो, लिखना चाहो कि भी इस प्रकार से मेरा जन्म हुआ है ये वो, तो आप लिख सकते हो, खाली भी छोड़ सकते हो। जन्म स्थान, जन्म कहाँ पे हुआ है आपका, ये भी यहाँ पे लिख सकते हो। आपका अगर की दूसरी जगह हुआ है और मूल निवास दूसरे एड्रेस का बना हुआ है आपका, तो वो भी आप लिख सकते हो, जिसमें राज्य, जिला और तहसील, सिटी और ये आ जाएंगे। उसके बाद में शिक्षा योग्यता विवरण, इसको लेकर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे थे आपको। देखो शुरुआत में आपको लगाना है 10 की मार्कशीट, 10वीं की जो मार्कशीट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। BSER अजमेर जिन्होंने बोर्ड, जिन्होंने जिस बोर्ड से आपने किया वो अपने आप यहाँ पे आ जाएगा, आपने फॉर्म में फिल किया था। उसके बाद में सब्जेक्ट आपके ऑल सब्जेक्ट होते हैं 10वीं में। वर्ष लिखना है यहाँ पे, कब कौन सी वर्ष में आपने पास आउट किया है। रोल नंबर लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर परसेंट, और अगर आपने CGPA वो आपने किया तो वो यहाँ पे लिख दे। टोटल कितने नंबर का था, प्राप्त आपने कितने किए, प्रतिशत आपके कितने आए, और कोर्स की अवधि 10वीं की कितनी होती है, 12 महीने, और जारी दिनांक जो मार्कशीट पे आपके नीचे नीचे फ्रंट साइड में आपके नीचे नीचे मार्कशीट जारी होने की तिथि लिखी होती है, तो वो आपको तिथि एज इट इज लिख देनी है। उसके बाद में 12वीं की मार्कशीट आपको लगानी है, जो भी आप जिस बोर्ड से आपने किया है तो वो सारी चीज़ें आपने वर्ष वगैरह, परसेंट वगैरह, रोल नंबर वगैरह भर के और सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दर्शानी है। उसके बाद में देखो जिन्होंने जो लेवल 2 से उन्होंने BA निश्चित रूप से किया हुआ होता है, BA या BSc या MS जो BCOM में, वो निश्चित रूप से आपने इन तीनों में से एक किया है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। और जो BSTC वाले हैं जो लेवल फर्स्ट के हैं, तो लेवल फर्स्ट के लिए देखो जरूरी नहीं होता कि सब BA करें, क्योंकि BA या BSc या BCOM करें, क्योंकि लोग ये भी है कि 12वीं पास के बाद BSTC क्या तैयारी की और जॉब लग गई, आकर डिग्री नहीं की, तो उनके लिए क्या करना है, जो आपकी योग्यता है ही नहीं वो आपको खाली छोड़ देनी है, ठीक है। और शिक्षा में स्नातक अगर आपने किसी भी में किया है तो निश्चित रूप से आप BEd के लिए यहाँ पे लगा हुआ है, वो भी आप लगा सकते हो। अन्य कोई आपने किया जैसे पात्रता परीक्षा आपने कौन सी दी है, रीट की दी है या नेट की दी है, जो भी आपने अगर किसी को दी है तो वो भी यहाँ पे दर्शा सकते हो, BEd के लिए भी आप लगा सकते हो। उसके बाद में देखो शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र को लेकर इन्होंने पूछा कि आवेदक यदि अपेक्षित शैक्षणिक योग्य अर्हता उत्तीर्ण नहीं है कि तो आवेदन की अंतिम तिथि तक उसकी परीक्षा में सम्मिलित हुआ या वह रहा है, तो जो भी आपकी शैक्षणिक जो योग्यताएं थी वो अंतिम तिथि से पहले की आपकी, जैसे फॉर्म फिल किया था उस टाइम पात्रता आपने जब दी थी उस टाइम तो वो नहीं था, लेकिन बाद में आवेदन तिथि तक आपका कंप्लीट हो गया तो वो यहाँ पे यस या नो आप दर्शा सकते हो। इंटर्नशिप जिन्होंने की है वो आप लगा सकते हो, हालांकि खाली भी आप छोड़ सकते हो, ठीक है, लागू नहीं कर सकते हो।
रजिस्ट्रेशन विवरण, अगर आपने कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाया कहीं भी मेडिकल काउंसलिंग में या राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग के अंदर, तो वो यहाँ पे दर्शा सकते हो आप। उसके बाद में पद हेतु आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र, तो जिसने भी ये काउंसलिंग वगैरह करवाई है या आपके पास कोई भी अनुभव प्रमाण पत्र है तो वो यहाँ पे दर्शा सकते हो। वहाँ पे यहाँ पे क्रमांक लिख सकते हो, संस्था का नाम और पता लिख सकते हो, संस्था का पंजीयन नंबर लिख सकते हो, पंजीयन विभाग लिख सकते हो, अनुभव कितने महीने या कितने साल का वो लिख सकते हो, विशेष विवरण इसमें आप लिख सकते हो जो भी आप दर्शाना चाहो। उसके बाद में आप बात करोगे तो इसमें देखो कुछ चीज़ें पूछी गई है जो ध्यान से आपको पढ़ना है। इसमें लिखा है कि क्या आप विज्ञापन के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट चाहते हो, तो प्रमाण सहित संबंध प्रावधान का उल्लेख कर जिसके अंतर्गत आप आयु सीमा में छूट प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अगर आप जो भी आपकी जो कैटेगरी है उससे अलावा अगर आप छूट चाहते हो, कोई आपके पास ऐसा सर्टिफिकेट है, तो उसके लिए यस करना है, अन्यथा ज़्यादातर केस में आप सभी के को नहीं करना होता है तो नहीं करना है, ठीक है। अनुभव प्रमाण पत्र पदक वगैरह अगर आपने अर्जित किया है तो आप इसमें कर सकते हो यस, अन्यथा नहीं कर सकते हो। शोध किया है आपने, कोई पुस्तक लिखी है तो आप यस कर सकते हो। क्या आपको कभी आयोग द्वारा दंडित किया गया या डिबार किया गया, तो आप यहाँ पे आप दर्शा सकते हो, हालांकि सभी को नहीं करना है। और शैक्षणिक योग्यता के संबंध में ध्यान से बिल्कुल करना है कि अभ्यर्थी की अनिवार्य शैक्षणिक जो योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता के सवर्था अनुरूप है या उससे भिन्न है, सवर्था अनुरूप ही करना है, बिल्कुल अलग नहीं कर देना है, अन्यथा बाहर हो जाओगे। ये आपको सवर्था अनुरूप करना है। अभ्यर्थी ने आवेदन की अंतिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर ली थी और उसके बाद में प्राप्त की है, आवेदन की अंतिम तिथि तक प्राप्त कर ली थी, यही इसमें आपको लिखना है, कुछ भी अलग नहीं लिखना। यदि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्णता प्राप्त नहीं की गई थी, तो क्या अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि तक उस परीक्षा के अंतिम वर्ष की पाठ्यक्रम की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका था, तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने शैक्षणिक जो योग्यता है ना उत्तीर्णता वो फॉर्म के टाइम तो प्राप्त नहीं की थी, लेकिन एक रूल होता है कि आप जिस दिन एग्जाम होता है उससे पहले पहले आपका रिजल्ट वगैरह अगर आ जाए, जैसे अंतिम वर्ष का रिजल्ट आ जाए, आपकी सारी चीज़ें आ जाए, तो आप यहाँ पे कर सकते हो कि अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम की परीक्षा में सम्मिलित था और उसने योग्यताएं भी प्राप्त कर ली थी उनके लिए जो अंतिम वर्ष में थे, और आपकी जो रीट की जो मेन पेपर लगा था ना उससे पहले पहले आपने क्या कर ली थी, वो योग्यता अर्जित कर ली थी, तो उसके लिए। क्या अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता आयोग की परीक्षा की तिथि तक उत्तीर्ण कर ली गई, तो परीक्षा की तिथि तक उत्तीर्ण कर ली गई, बिल्कुल भरना है। केवल साक्षात्कार के अंक से चयन की स्थिति में क्या अभ्यर्थी अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता साक्षात्कार की तिथि तक उत्तीर्ण की थी, तो बिल्कुल उत्तीर्ण की थी, ये आपको भरना है। उसके बाद में श्रेणी या वर्ग के लिए कि अभ्यर्थी आवेदन व प्रवेश पर अंकित अपनी श्रेणी में ही है या उससे भिन्न है, बिल्कुल उसी श्रेणी में यही करना है। यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है तो क्या वह आवेदन की तिथि से पूर्व अपने आरक्षित श्रेणी में आ चुका था या उसके बाद सम्मिलित हुआ, तो आवेदन की तिथि से पूर्व ही आ चुका था, यही भरना है, चाहे जिसने नया सर्टिफिकेट बनाया है चाहे पुराना है, बिल्कुल यही भरना है। और यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है तो क्या आपने राजस्थान का मूल निवासी होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया है, राजस्थान का मूल निवासी है, बिल्कुल ये इसमें भरना है आपको। टीएसपी एरिया के निवास संबंधी, तो आप टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हो तो यस कर दें, अन्यथा नहीं कर दें। और यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है किंतु उसका जन्म राज्य से बाहर हुआ, तो क्या आपने मूल राज्य में भी उसे आरक्षित श्रेणी में होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया है, तो अगर आपका जन्म बाहर हुआ है और आपके अपने राज्य का जो साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किया तो वो आप यहाँ कर दें, अन्यथा नहीं कर दें। उसके बाद में आपका पूछा है कि अनुभव प्रमाण पत्र से संबंधित, तो शैक्षणिक योग्यता से पूर्व अर्जित कर लिया था आपने कोई भी आवेदन की अंतिम, तो अनुभव प्रमाण पत्र है इसके लिए, और यह है आपकी निर्धारित योग्यता के सवर्था अनुरूप है या उससे भिन्न की तो समकक्ष, तो अनुभव है वो सवर्था अनुरूप करना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, देखो अभ्यर्थी की विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु, तो आपकी जो आयु है ना 1 जनवरी 2024 को आपकी कितनी आयु है वो इसमें आपको लिखनी है, और विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित तिथि को आयु न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, अधिकतम कितनी है, 18 और 40, इसमें ये पहले से मिलेगा, ठीक है, फिर इसमें आपको कुछ नहीं बनना है। और उसके बाद में आते हैं संलग्न सूची, इसको लेकर काफ़ी सारे क्वेश्चन किए जा रहे थे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड करने हैं, तो इसके लिए आपको उपाधि प्रमाण पत्र एक तो 10वीं क्लास का लगाना, उसके बाद में 12वीं का लगाना, उसके बाद में जो BSTC से हैं जिन्होंने BA नहीं करका उनको तो वो नहीं लगाना है, लेकिन जो लेवल 2 के उनके लिए BA या BSC या BCOM जरूरी है तो उनके लिए वो लगाना है। चरित्र प्रमाण पत्र आपको अंतिम संस्था का लगाना है जिसका भी है, जितनी भी लेट किया हो, चाहे 2012 में किया तो 2012 में अगर लास्ट आपने संस्था किया तो वही लगाना है, 2020 में किया तो 2020 का ही लगाना है, तो जो भी है वो आपको यहाँ पे लगा देना है चरित्र प्रमाण पत्र, और अगर आपने के पास नहीं है वो तो आप कहीं से लिखा भी सकते हो और लिखा के आप लगा सकते हो। मूल निवास प्रमाण पत्र सभी को लगाना है, और मूल निवास के लिए जो जारी क्रमांक है वो आपको मूल निवास के ऊपर मिल जाएंगे क्रमांक नंबर, ठीक है। और जाति प्रमाण पत्र को लेकर आप जाति प्रमाण पत्र मूल और जाति मैंने वीडियो दे दिया आपको अलग से, आपको नए अपलोड करने अगर नया बनवा लिया तो।
और अटेस्टेशन फॉर्म भी आपको फिल करना है और वो लगाना है, और उसके लिए जारी क्रमांक आप नुल भी कर सकते हो, खाली छोड़ सकते हो, या एक नंबर लगा सकते हो, जीरो नंबर लगा सकते हो, और आप खाली भी छोड़ सकते हो, कोई आवश्यकता नहीं है। और जारी दिनांक जिस दिन आप अटेस्टेशन फॉर्म बनवा रहे हो उसी दिन की आप लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। उसके बाद में इसको क्या करना है, आपकी रसीद वगैरह आपको काटनी है, और आप इसमें आप क्या कर सकते हो, सेव करके छोड़ सकते हो, और फाइनल सबमिट बाद में भी इसको कर सकते हो। तो ये स्क्रूटनी फॉर्म था जिसकी मैंने एक अलग अलग सारी चीज़ें वो आपको मैंने बता दी। अब आप फॉर्म आराम से फिल कर सकते हो, और बाकी आपके कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो मेरे से आप पूछ सकते हो, टेलीग्राम पर पूछ सकते हो, और यूट्यूब पर कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, मैं हो सकेगा उतना जल्दी जवाब दूंगा। काफ़ी सारे कमेंट हो जाते हैं तो माफ़ी चाहता हूँ अगर किसी को जवाब ना मिल पाए जल्दी, या थोड़ा टाइम लग जाए, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट हो जाते हैं और उनको पढ़ना, फिर धीरे धीरे सभी के जवाब देना तो टाइम जाता है, ठीक है। तो बाकी घबराना नहीं है, कोई भी गलती हो जाती है उसके लिए आपको टाइम मिलेगा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्यूमेंट आपके सही होने चाहिए, सारी चीजें आराम से फिल करवाए एसएसओ आईडी पर और सेव करके रख लो, उसके बाद में आप क्या कर देना, फाइनल सबमिट है कर देना, ठीक है। और अपडेट और एडिट का ऑप्शन इसमें आ रहा है तो बिल्कुल आप अपडेट भी कर सकते हो, कोई भी आपकी गलती हो जाती है तो उसमें एडिट आप कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना सभी के पास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।